नमस्कार, मेरा नाम शेफाली चतुर्वेदी है और आप लोगों की ही तरह मैं भी अपने ही घर में रहकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही हूँ। आप सभी से ये कहूँगी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी हम कोरोना को हरा पाएंगे, घरों में ही रहकर, स्वस्थ रहकर, सुरक्षित रहकर और सफाई रखकर। इस दौरान किताबों से दोस्ती कर लेना सबसे अच्छा उपाय है। मैंने भी दोस्ती की और काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। आज साहित्य तक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आशीष कौल की लिखी किताब रिफ्यूजी कैंप से एक अंश। रिफ्यूजी कैंप ही क्यों, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी ही रोचक किस्म की किताब है जिसमें कई स्तर पर संवाद होते हैं। इसका जो नायक है अभिमन्यु और अभय प्रताप कौल, जो कि उनके पिताजी हैं, उनकी जिंदगियां अपने आप में आपसे संवाद करती नजर आती हैं कि हम हमेशा क्यों अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं। यंगस्टर होने के नाते बहुत सारी किताबें आप पढ़ते हैं और उसमें एक अपील ढूंढते हैं। इस किताब में वो अपील है कि हम टैक्स पेयर्स हैं, हमें मालूम है कि हमारे टैक्स का एक काफ़ी भाग कश्मीर में शांति व्यवस्था स्थापित करने में लगता है, तो आखिर उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये जानने को मिलता है इस किताब से। बहुत ही रोचक कथानक है इसके नायक अभिमन्यु का, उसके पिताजी अभय प्रताप कौल का। ये किताब कई स्तर पर आपसे संवाद करती है। नायक कहता है आपसे बार बार कि क्यों ऐसा होता है कि अपनी जिंदगी में किसी बदलाव को लाने के लिए हम किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं। तो वहीं इस किताब में जो वो दिन उबारे गए हैं 48 घंटे 1990 के, या फिर जब बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो कि नहीं होना चाहिए था, तब ये आपसे सवाल करती है ये किताब कि एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर अगर शांति स्थापित करनी है तो पुलिस और आर्मी या न्याय व्यवस्था कैसे स्थापित कर सकती है जब समाज एक इकाई के तौर पर ये फैसला नहीं ले पा रहा कि उसे शांति चाहिए कि हिंसा, और वो समाज ही है, उसका ताना बाना ही है जो शांति को स्थापित कर सकता है। तो चलिए मैं ये किताब के कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाती हूँ और फिर आप पर है कि आपको क्या लगता है शांति के लिए समाज किस तरह से ताना बाना बुन सकता है और हम चमत्कार का कब तक इंतजार करेंगे। हजारों की तादाद में लोग चल पड़े थे। पुलिस के लिए ये कानून व्यवस्था का सवाल हो सकता था। इन लोगों को रोकना अब मुश्किल था। आग की तरह पूरे जम्मू में खबर फैल चुकी थी कि अभिमन्यु नाम का एक लड़का कश्मीर वापस अपने घर जा रहा है। कमिश्नर अभिमन्यु को रोकने पहुंचा। सर, कमिश्नर ने कहा। एक कमिश्नर एक 19 साल के लड़के को सर कहकर पुकार रहा था। अभिमन्यु ने अपनी नम्रता दिखाते हुए कहा, मुझे अभिमन्यु कहकर पुकारिए सर, आपसे बहुत छोटा हूँ। कमिश्नर बोला, सर आप बिना परमिशन ऐसे रास्ते पर उतर आए हैं, मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अभिमन्यु मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, एक करेक्शन है सर, अभी तक हम रास्ते पर थे, आज घर लौट रहे हैं। अपने घर जाना इस मुल्क में कोई गुनाह नहीं है, तो आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। अभिमन्यु की बातचीत में नेता का हर गुण झलक रहा था। कमिश्नर ने फिर एक बार जमा लोगों के चेहरे देखे। उसने वहां से कुछ फोन किए और जम्मू की सुरक्षा के लिए वो आया कमिश्नर वहां लोगों के साथ कोई हादसा ना हो जाए इसकी देखरेख में लग गया। जल्द ही पत्रकार वहां पहुंचे और पत्रकारों ने सवालों की बौछार शुरू की। पहला पत्रकार, अभिमन्यु सर चर्चा है आप अपने घर वापस जा रहे हैं, क्या ये सच है? अभिमन्यु फिर एक बार मुस्कुराया। उसने कहा, आप अभी भी नहीं देख पा रहे कि हम घर जा रहे हैं, या फिर वही पत्रकारिता करनी है जो सरकार चाहे? ये जवाब सुनकर पत्रकार सकपका गया। अगले पत्रकार ने पूछा, आप धारा 370 के बारे में क्या कहेंगे? अभिमन्यु ने अपने पापा को देखा जैसे कि वो इस विषय पर बोलने के लिए पापा से अनुमति चाहता हो। अभय प्रताप हर लिहाज से अभिमन्यु के साथ खड़े थे। अभिमन्यु ने जवाब दिया, महात्मा गांधी की 1920 वाली खिलाफत की गलती से हमें सीख लेना चाहिए। कश्मीरियों को ये एहसास ही नहीं दिलाना चाहिए कि वो हमसे अलग हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं। इस बात का उनमें विश्वास जगाना कश्मीर को बचाने की पहली पहल होगी। राजनीतिक इच्छा अभी भी जागरूक नहीं हुई है, या फिर परिणाम क्या होंगे इसका गलत अंदाजा पहले से ही लगाकर वो सब डरे हुए हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि इसके कारण कश्मीरियों को सही आजादी का मतलब समझ में आ सकता है। धारा 370 हट गई तो इस आजादी की उन्हें आदत पड़ सकती है और फिर फर्जी आजादी के सपने से वो बच सकते हैं। कश्मीर का अफगानिस्तान होने से रुक सकता है।
दूसरे पत्रकार ने पूछा, वादी के हालात इतने खराब हैं, वहाँ लोग हथियार थामे खड़े हैं, इसके बावजूद आप निहत्थे वहाँ जाना चाहते हैं, क्या ये पागलपन नहीं है? हाँ, ये पागलपन है, फिर भी मैं इससे गुजरना चाहता हूँ ताकि फिर कोई भी कभी भी किसी के सर पर बंदूक रख कर उसे उसके घर से बेदखल न करे और न ही उसे किसी शरणार्थी कैंप में अपना जीवन गुजारना पड़े। मौत दोनों तरफ है, एक तरफ जिस्म की, दूसरी तरफ जमीर की। कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ मरना मुझे मंजूर नहीं, इससे अच्छा है अपनी जमीन पर जाकर मरूं। तीसरा पत्रकार, आपने सरकार से कोई मदद नहीं मांगी, आप अपने साथ लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, इन्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? जी नहीं, मैं किसी की भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, मैंने किसी से नहीं कहा कि वो मेरे साथ चले, जो भी चले अपनी मर्जी से चले। और आप ये सवाल कैसे कर सकते हैं कि जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो आपको सरकार से पूछना चाहिए ना कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पर आप सरकार से कोई सवाल नहीं करेंगे। 19 जनवरी को भी नहीं किया था कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। आप हम जैसे लोगों से सवाल करेंगे, हमारे दुखों की कहानी बनाकर अखबार में भेजेंगे, चाय के कप के साथ उस अखबार को पढ़ते पढ़ते आप लोग एक पासिंग कमेंट दे देंगे कि क्या हो रहा है कश्मीर के साथ, फिर अलमारियों से पुराने कपड़े निकाल कर कैंप भेज कर खुश हो जाएंगे कि आपने देश के लिए कुछ अच्छा किया। पर आप लोग ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि आज भी ढाका की मलमल और कश्मीर की पश्मीना शॉल सबसे ऊंचे दाम में मिलते हैं। तिब्बती मेडिटेशन के सूत्र आजमा कर आप लोग आज भी अपने मन को शांत कर पाते हैं। रोज आपके घरों में आपकी सेहत के लिए कश्मीरी सेब कटता है, पर आपके तेवर इतने ही ठंडे रहे ना, तो मुझे डर है कि जैसे पानीपत में काले आम का स्मारक है, कहीं कल को कश्मीर में काले सेबों का बागान न देखना पड़े। इतना कहकर अभिमन्यु अपने कश्मीर को सोचकर गदगद हो गया। ये था रेफ्यूजी कैंप का वो अंश जो हमसे सवाल करता है कि क्या हम वाकई कश्मीर और उसकी समस्या को, उसके लोगों की समस्या को समझ पाए हैं। मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा। साहित्य तक में जिस तरह से मैं आपके लिए ये अंश लेकर आई हूँ, थोड़ी ही देर में मेरे बाद मेरे ही जैसा कोई साथी किसी और किताब का कोई अंश लेकर आएगा। देखते रहिए साहित्य तक। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर ही रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए।